पर हमें अक्सर ही बड़े बूढ़े हमेशा ही उल्टी चप्पल रखने के लिए जरूर टोकते हैं। हम बड़े बुजुर्गों को टोकने पर तुरंत ही चप्पल सीधी कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घर में उल्टी चप्पल होने का क्या मतलब हो सकता है? हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। दोस्तों, दरअसल हमारा समाज कई प्रकार के शुभ अशुभ चीज़ों को मानता है, उनमें से एक है चप्पल जूतों का उल्टा रखना। मान्यता है कि घर में उल्टी चप्पल या उल्टे जूते होने पर उन्हें तुरंत ही सीधा करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में लड़ाई हो सकती है, मां लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग अक्सर ही कहते रहते हैं उल्टी चप्पलों को तुरंत ही सीधा कर देना चाहिए। हमारी सभ्यता के अनुसार ये भी माना जाता है कि यदि आप चप्पल और जूते उल्टे रखते हैं या फिर जल्दबाजी में वह उल्टे हो जाते हैं तो घर में ऐसे में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, घर में दरिद्रता और गरीबी आती है। इसके अलावा घर में बीमारी, दुख आदि जैसी चीज़ें भी आने लगती हैं। इसलिए चप्पल वो जूता निकालने के बाद यदि वह गलती से उल्टा हो जाता है तो उसे तुरंत ही सीधा करने को कहा जाता है। इसके अलावा जूते या चप्पल को अव्यवस्थित ढंग से रखने से भी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती। माना यह भी जाता है कि घर में उल्टे जूता चप्पल को रखने से तनाव का माहौल तो रहता ही है, साथ ही साथ शनि का प्रकोप भी रहता है, क्योंकि शनि देव को पैरों का कारक माना गया है। दरवाजे पर भूलकर भी उल्टे सीधे चप्पल जूते नहीं रखना चाहिए, इससे सदस्यों के बीच बुरा असर होता है। वास्तु के अनुसार उल्टे चप्पल जूते होने से घर की सकारात्मकता दूर चली जाती है और घर परिवार की सुख शांति में बाधा आती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।